गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और मैं अपना हेयर वॉश करने वाली हूँ। और अगर हेयर फॉल हो रही है आपको तो आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें भी आज डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज मेरे चैनल पर डे बाई डे अपलोड होते रहती हैं। तो आज का वीडियो है हेयर फॉल कंट्रोल टिप्स, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल में देखने वाला है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड और वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इजीली आप जा सकते हो। नहीं तो आप प्रीत तिवारी 2 सर्च कर लो और आ जाएगा, और आप वहाँ पर जाके सारी सिलाई से जो रिलेटेड बारीकियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। और कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अभी मैंने लगाया है बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और हेयर वॉश करने के लिए मैं यूज करूँगी सिका का शैम्पू। तो चलो मैं चलती हूँ बाथरूम में और मैं आपको शैम्पू दिखाती हूँ क्या क्या मिक्स करना है शैम्पू के अंदर, वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो ये है विटामिन ए की कैप्सूल, तो विटामिन ए की कैप्सूल 2 ऐड करूँगी मैं शैम्पू में। और शैम्पू जो है वो है आंवला रीठा सिका का ही, बाकी आपको जो शैम्पू सूट करता है वो शैम्पू ले सकते हो आप। तो आंवला रीठा सिका का ही शैम्पू में आपको जितना आपके बालों के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू लेना है, एक मग में पानी ले लेना है, पानी में थोड़ा सा शैम्पू, 2 विटामिन की कैप्सूल अच्छे से मिक्स करना है, फिर जड़ों में अप्लाई करना है, अच्छे से स्कैल्प की मसाज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बालों की रब करना है, हम लोग यही गलती करते हैं कि बालों को अच्छे से साफ करते हैं बट स्कैल्प को साफ नहीं करते हैं। हमको स्कैल्प को साफ करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे हमारी स्किन पे डेड स्किन आते हैं, फेस पे आते हैं, हाथ पैरों पे आते हैं, बॉडी पे आते हैं, वैसे ही हमारी हेयर के स्कैल्प पे भी आते हैं। तो जब भी आप शैम्पू करें तो स्कैल्प को अच्छे से रब करना है और वॉश करना है, तभी आपका जो हेयर फॉल है वो अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा। ओके, तो चलिए बताती हूँ कैसे आपको इसको मिक्स करना है। तो ये मग में मैंने पानी ले लिया है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करूंगी। ठंडी में शैम्पू भी जम जा रहा है तो इतने में मेरे बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे, जितना में आपको लगे कि आपके बाल साफ हो जाएंगे उतना शैम्पू ले लेना है। एंड 2 विटामिन की कैप्सूल इस पानी के अंदर ही ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से सादा जेल इसका निकाल लेंगे ऑयल जो है इस कैप्सूल के अंदर। इसी तरीके से दूसरा कैप्सूल लेंगे। ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने ऑयल में भी विटामिन का कैप्सूल मिला लीजिएगा एंड उसको अच्छे से मसाज कीजिए। खूब सारा ऑयल अपने बालों में लगाइए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए एंड सुबेरे नॉर्मल पानी सॉरी शैम्पू के साथ वॉश कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ उसी प्रोसेस के साथ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ओके, अच्छे से मिक्स हो गया है, बालों को खोलेंगे एंड लगाएंगे बालों में शैम्पू को। तो मुझे लग रहा है कि इसमें शैम्पू थोड़ा कम है तो शैम्पू और ऐड कर लेंगे क्योंकि एक बार में ही बना लेना है, क्योंकि बाद में जब आप विटामिन की कैप्सूल वॉश करने के बाद दोबारा शैम्पू लगाओगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। ओके, सर्दियों का टाइम चल रहा है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो शैम्पू में थोड़ा सा ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे तो उससे जो आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे वॉश करना है वो बता रही हूँ। मेरी आंखों में शैम्पू चला गया है। ऐसे अच्छे से रब करना है। स्कैल्प को अच्छे से इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सारी स्कैल्प को अच्छे से रब करना है
जिससे कि आपकी जो स्कैल्प पे गंदगी इकट्ठी हुई होगी, ऑयल तो और ज़्यादा गंदगी को, डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड खींचता है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी और ऑयल ऑयल के साथ आपके बालों की स्कैल्प पे चिपक जाती है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं निकालोगे तो आपका जो हेयर फॉल है वो और बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से पहले रब करना है। अच्छे से वॉश करोगे, अच्छे से रब करोगे शैम्पू लगा के, तो आपका जो स्कैल्प है वो अच्छे से साफ होगा, तो डैंड्रफ, हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम, जुओ लिको की प्रॉब्लम, सब चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो आपके स्कैल्प को अच्छे से साफ करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको शैम्पू को बालों में लगाना है एंड 2 मिनट तक ऐसे ही बालों पर रखेंगे। उसके बाद अपने बॉडी वॉश को अच्छे से लगा लीजिए, तब तक ये शैम्पू जो है वो अपना वर्क कर लेगा। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से, ठंडी का टाइम है तो गुनगुने पानी से वॉश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरा भी हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन अच्छे से साफ करने की वजह से मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप हेयर कट कर दो तो दोबारा से आपका हेल्दी लुक देखने को मिल जाता है बालों का। तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ पानी से और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। मैंने क्यों बोला कि 2 मिनट शैम्पू को बालों में रखने दीजिए, क्योंकि जो ऑयल हमने विटामिन ई का कैप्सूल में लाया था, उसके बाद जब 2 मिनट के बाद अपने बालों को टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट फील होगा एंड बालों में शाइनिंग अच्छी आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि शैम्पू को तुरंत वॉश नहीं करना है, 2 मिनट छोड़ देना उसके बाद वॉश करना है। ओके, तो मैंने कर लिया बालों को वॉश। अब आपको क्या करना है, आपको टॉवल से, कॉटन टॉवल लेना है इस तरीके का, और अच्छे से बालों पे रैप करना है। और बाल जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक इसको कॉम नहीं करना है। ओके, जब बाल आपके ड्राई हो जाए 90% तक, उसके बाद आप कॉम कर सकते हो, क्योंकि जो गीले बालों का जो जड़ होता है, स्कैल्प होता है, वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको बालों को ड्राई होने देना है, उसके बाद वॉश करना है। आई होप कि टिप्स अच्छी लगी हो। तो ड्राई होने के बाद हेयर कॉम करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे हेयर जो हैं वो 60-70% तक ड्राई हो चुके हैं। ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉर्मल हेयर पे ड्राई होने देना है। उसके बाद आपको कंडीशनर की जगह, सॉरी सीरम की जगह पे आपको यूज करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए, आपको बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाने के लिए, एंड जो आपके स्किन पे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, डेड स्किन की प्रॉब्लम होती है, डीप क्लींजिंग की बात आती है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट में थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करोगे तो आपको अंदर से ये क्लीन करता है एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश फील देता है। तो आपको इसको 1-2 बूंद लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये चिपचिपा सा हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा लिया। तो मैंने यहाँ पे 4 बूंद ली है, ठीक है। अच्छे से हाथों से लगाना है, देन लेंथ में इस तरीके से। और ये इकलौता सीरम है जो कि आपके जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके से अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि जो आपके बालों का बालों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ दिखेगा एंड जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उनको भी अच्छे से मैनेज करता है। बस यही प्रोसेस आपको करना है अपने बालों को हेल्दी, सॉफ्ट, स्मूथ, लॉन्ग बनाने के लिए एंड अच्छा से ग्रोथ देने के लिए। बालों की जड़ों में जो बाल हेयर फॉल होके बाल की स्कैल्प चौड़ी हो जाती है, मांग उसको ये रिपेयर करता है और छोटे छोटे नए बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये उसको डेली यूज करिए, फिर आप खुद फील करोगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है और बालों की लेंथ भी बढ़ती जा रही है। हेयर फॉल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल बढ़ेंगे और जो नीचे से ड्राई डैमेज हेयर है उनको कट कर दीजिएगा ताकि आपके बाल हेल्दी दिखे। आई होप कि आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक कर दीजिएगा।